Centers for Disease Control and Prevention say a brain-wasting disease that infects deer could possibly be contagious to humans. अगर ऐसा होगा, यानी कि अगर ये बीमारी इंसानों में फैलती है, तो साइंटिस्ट का कहना है कि इतनी बुरी तरह से ये बीमारी फैलेगी, जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से काफी ज़्यादा सिमिलर होगी। और गेस व्हाट? सड़कों पर ज़ॉम्बी जैसे बनकर हिरन घूमते हुए दिख रहे हैं। तो चलो जानते हैं कि क्या ज़ॉम्बी एपोकलिप्स डियर में फैलना शुरू हो गई है। एक चीज जो इस हिरन में देखी जा सकती है कि इस हिरन में इंसान का कोई भी डर नहीं है। वहीं साथ में वो उसकी हालत को देखकर शॉक्ड है, क्योंकि उस ज़ॉम्बी डियर के बॉडी में कई सारे पैचेस हैं और उसकी बॉडी के ऊपर भी कई सारी चीजें जमी हुई हैं। इस वीडियो में दिख रहे हिरन का एक सिरा कुछ नेक्स्ट लेवल फुला हुआ है, जैसे कोई वियर्ड चीज उसके सिर पर उगी हुई है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये उस ज़ॉम्बी डियर का ब्रेन भी हो सकता है जो फुल कर बाहर निकल गया हो। खैर, ये तो रहे सिर्फ दो विजुअल्स, लेकिन अगर आपको इसका पूरा सच जानना है तो यूट्यूब पर सर्च करो मंदबुद्धि पालक डियर और आप ज़ॉम्बी डियर डिजीज के और भी प्रूफ्स को देख लोगे।